खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। सोनहत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंगावाही में जंगली भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इससे चार लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। बता दें कि रविवार की शाम सोनहत क्षेत्र में पंडो बाहुल्य ग्राम अंगावाही में जंगली भालू ने जंगल गए ग्रामीणों पर हमला कर दिया था। हमले में चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। मृतकों में राजकुमारी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम अगवाही जोरिया, भाई उम्र 60 वर्ष निवासी अंगवाही फूल, साय उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम मंगवा, शिवबचन उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम फुसला शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग ने रविवार को जंगली भालू के हमले का रेस्क्यू कार्य चलाया है। इसमें चार शव बरामद किए गए। वहीं वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की जान बचाई। इस दौरान विधायक गुलाब कमरो, कलेक्टर SN राठौर, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, DFO एवं अखिलेश मिश्रा, वन अमला उपस्थित रहे। ग्रामीण इलाके के लोग डरे हुए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भालू घटनास्थल से 100 मीटर के आसपास ही कहीं छुपा है, इस वजह से वहां पर वन विभाग द्वारा किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। चीफ एडिटर राजकुमार शेट्टी, न्यूज रूम।